नमस्ते जी। कुछ नहीं समझते जी। नमस्कार वीना जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं आपको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। ओ मैं तो तेरा फैन हो गया, जो नहीं है ओ मैं तो तेरा फैन हो गया। अरे वाह वाह वाह। क्या तन तुसी कम कर सकदे हो वीना मलक साहबा? गो तुसी साडा तारुफ नहीं कराया, खैर कोई गल नहीं। नहीं नहीं, आपको तो किसी तारुफ की जरूरत ही नहीं, नहीं है। नहीं तुसी ना कराओ साडा तारुफ। ए जेडे बाबा जी है ना, इन्हां दे अगे कोई टोकरी शोकरी रखदे हो, ए जेहो जी गुफ्तगू करने लगदा वमटिंग करने। अरे एक पाकिस्तानी मेरे साथ आपने बिठाकर ठीक नहीं किया। अरे पाकिस्तान लिए कि पाकिस्तानी बनाया गया है बुजुर्गो। साढ़े लाहौर तेरे वर्गे बंदे ना पुराने डाइजेस्ट वे के जिंदगी कटते हैं। तुहाडे कोल एक चाय मिल जाएगी? जैसी चाय इनको हमने पिलाई है ना, कभी इन्होंने पी नहीं, पहली दफा कहा है द टी इज फैंटास्टिक राइट। वीना जी रंगीन खाना मंजर में देखा है। हां आप तो बहुत फैंटास्टिक। अरे चुप कर, तू हमारे माथे पे एक कलंक है। वीना जी अपनी रंगीन खाना में मंजर देखा है। हाँ, क्या मंजर था। मैं फिरदा टुरदा रहना है। मैं अपने बच्चे लेके ना बालाकोट गया। हाँ, अच्छा बालाकोट मैं की वेखना तखना पिया के मेरे बच्चे ने क्या अबू जहाज। और मैं खो तेरा अबू जहाज तेरा गड्डी लाहौरों चला के बालाकोट तक आ गया, जहाज हो गया। उतर में रह मैं तेरे पैसे खड़ते सू जहाज कह रहे हैं। और मासूम बच्चे ने हल्की जुंगल चुकंदा अबू जहाज। मैं की तकना पिया के एंकर के शुरल करके जहाज उतो लंघिया गया। मैं की तकिया मेरे पैरों थलो अद्धा बालाकोट ही निकल गया। मैं कहे ते हिंदुस्तान का जहाज ते बालाकोट। बस इन्नी देर सी ते पिछों साडे बबड़ शेरां दे जहाज चरे ने। एक कमबख्त दा पुत्तर अगे गए सी ते पिछे पिछे साडे बबड़ शेर सन। पिछों दी दुमची ते पिछों साडा जहाज वज्जा गया। मैं जी वेखिया कि एदी दुमची उत्ते गई है ते ठा थले डिगिया गया। अभिनंदन तेरी गलत गली होई वे जहाज इधर ले आंदी काले मुंह वालिया। मैन की पता है कि अगे मेरे नाल ए होनी है जी। मेरी घर वाली कहंदी सी चाह पी के जावी, मेरे लेख मारे जेड़े नहीं पी के आया। टी वाज फैंटास्टिक। अच्छा इंडियंस की एक आदत है झूठे मूठे वाकयात पे इतनी झूठी झूठी फिल्में बना देते हैं, लेकिन ये वाहिद शख्स है जिसको उन्होंने प्रमोशन दी चपेड़े खाने पे लेकिन फिल्म नहीं बनाई। वीना जी चपेड़ा मैनू बड़ियां पई हैगियां, ठुड्डे मैनू बड़े पे है गए, लेकिन चस बड़ी आई है। टी वाज फैंटास्टिक। टी वाज फैंटास्टिक। ए गल इनको मरते दम तक याद रहेगा। दा प्यो भी नहीं भूलेगा। अरे अब क्या फायदा, दुश्मनों ने पेड़े खा के आ गया, अब ये आइटम कर रहा है। टी वाज फैंटास्टिक। जिस बंदे नु आज तक इंडिया ने नवी जूती नहीं दी तेन जहाज के नहीं। अरे अब क्या आइटम कर रहा है, जहां तुझे दिखाना चाहिए था वहां तू पिट के आ गया। बस कर दे, आपने जो कारनामा करना था ना कर दिया। जहाज हिल गया है, फैंटी खान तो बात हिल गया है। बरियां आठवां करेगा, टोन भी छड़ेगा। 50 से ज्यादा सेपरेशन की तंजीमें आपके मुल्क में चल रही हैं और आप इल्जाम लगाते हैं कुछ भी हो जाए इंडिया में कि पाकिस्तान ने करवाया। अरे तो और है कौन? अच्छा इंडिया में हलाशेरी देने वाले आप लोग हैं, आपका देश इनको सपोर्ट करता है। बख्शी साहब ऐसा क्या हुआ है, हर वक्त इतना गुस्से में रहते हैं, कभी मुस्कुराए भी हैं आप? एक कौड़ी मुस्कुराया, सिर्फ एक कौड़ी। जो इहदे काने कहने क्या लो जी कारगिल तो पाकिस्तान दी फौज थले उतर गई। हाय केड़ा सया के शोकर है और शेर जवान थले चले गए। आप अमन चाहते हैं या जंग चाहते हैं? हम जंग के बाद अमन चाहते हैं। ये हाल है इनका। ओए हाय हाय। क्योंकि जंग होगी हम हारेंगे तब पूरे विश्व में अमन आ जाएगा। बख्शी साहब बात सुने, आप बातें तो बड़ी कर रहे हैं कि जी हम जंग के बाद अमन चाहते हैं। ये चाइना से जो आपने जंग की है उसके बाद को अमन मिला आपको? आप बड़ा प्यार मारे ले भी बोलिया लेट है लेकिन बड़ी गल की थी। और इन्होंने किडे किडे बंदे सन फौजी कदम कह रहा हूँ तो चाइना के एडे एडे बेचारे निके निके, लेकिन उन्होंने को फ्लैंक किका मारियां। अच्छा चाइना ने ऐसे वेपन्स यूज किए हैं कि अभी तक वो डिटेक्ट नहीं कर सके कि वेपन्स कौन से यूज किए। फिर आके कह रहे थे कि जी हमारी सेना को चाइना की सेना ने बहुत पन्ना है। बाबा अपनी पोती दी रुखसती टाइम कह रहे होंदा है क्या? और रुखसती तो हो ही जाएगी, मेरा डांस तो देखते जाओ। कोई संजीदा सवाल है तो कीजिए, यहाँ तो मजाक ही लगा हुआ है। हमने इनवाइट जो मजाक को किया है। Do you think am I joke? Yes. और यहो जे जर्नल तो बजा के दस रहे थे टंग टंग, ये नहीं चलेगी, पीछे काट लो। अभिनंदन उमंग है, होनी भी नहीं चाहिए ना, कोई तरंग है, खत्म हो गई है मेरी जिंदगी है क्या। जो नहीं सारे को चपेरा खा गई है हल्का जिहा हिल गया है। बंबई नेकलेस रोड नहीं है समुद्र के उत्ते, उत्थे मंगदा भी है, पूछता है मेरी जिंदगी है क्या, अरे तेरी जिंदगी अब एक फटी पतंग है। फटी पतंग। जनरल बख्शी, आपकी एयरफोर्स का हमारी एयरफोर्स ने क्या हाल किया वो तो आपके सामने, ये बताइए कि क्रिकेट खेलने से क्यों डरते हैं आप? आपकी बात का मैं जवाब, एक मिनट लेट मी स्पीक। आप कब से बोल रहे हैं क्रिकेट से मुझे नफरत है, अरे क्या खेल लगा रखा है, मारिए एक दूसरे पे एटम बम और खत्म कीजिए और ये मैच। आप सबसे पहले जो है ना अपने वजीर आजम को समझाएं, वो आपके दिमागों में घुसा हुआ है। वो नहीं घुसा, नहीं मैं सही कह रहा हूँ। आप कारगिल का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हैं? एक्चुअली जब से मोदी पावर में आया है तब से आप देखें कि हेट्रेड कितनी ज्यादा हो गई है और खासतौर पे माइनॉरिटीज का बहुत बुरा हाल है। आप आए दिन वहाँ के वाकयात देखते रहते हैं, हार्ट ब्रेकिंग, शॉकिंग और बहुत ही अजीब सा हो गया। अखंड भारत बनाते बनाते पखंड भारत बना दिया। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थी, इतनी अच्छी डेमोक्रेसी थी, उसका बेड़ा गर्क आपने और मोदी ने कर दिया। अरे आपको सिर्फ मोदी नजर आता है, हिटलर को आप नहीं जानते, भूल गए उसको। हिटलर ने क्या किया? तो जैसे हिटलर को बुरे अल्फाज में याद किया था, आपको भी ऐसे ही याद किया जाएगा। बिल्कुल, मोदी की रेपुटेशन हिटलर से वैसे भी कम नहीं है दुनिया में। अरे देखिएगा, आप देखेंगे कि दुनिया याद करेगी। अरे बस कीजिए, इतिहास गवाह रहेगा, इतिहास में नाम आएगा। आपसे ना ये अभिनंदन फिर भी है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना, आप कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं? मोदी की ड्यूटी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, तेरी शर्म आनी चाहिए। अब रोए ना, नहीं है रोना नहीं, जवाब दें यहाँ पे। सच बोलो हुण, साडा ते हले एक बंदा बोले। अरे तुम मेरे बच्चों की उम्र के हो, तमीज से तो बात करो। नहीं मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ कि आप किसकी ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो रिटायर हो चुके हैं। और हजे बंदी की आखिरी इच्छा होती कि मैं रेखा की साड़ी के साथ फांसी लेना चाहता हूँ। याद रखो इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। मेरी बात सुने, जितनी आपकी उम्र होगी ना आप किताबें लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। किताबें लिखें, पढ़ें बस, और खामोश रहा करें प्लीज। और किताबें भी वो लिखें जिसमें सच्चाई हो, मन गढ़ंत कहानियां ना बनाए वहाँ पे। अरे तुमने मेरी किताब पढ़ी है? हाँ, मैं क्यों पढ़ूं आपकी किताब? मेरी किताब पढ़ो, नई वाली, द बुक ऑफ पेपर। वैसे कौन सी बुक ऑफ पेपर? पेपर की बुक है सारी। चलो रख दो, किसी ने पढ़ी तुम ही पढ़ो। नहीं मैं क्यों पढ़ू इनके, अपनी किताब मैं उनका अमरूद पा के खा लांगा। मैं अपनी किताब जला दूंगा लेकिन तुझे नहीं दूंगा। मैं भी तेहू करना सी। वीना जी भूख लगी हुई। अरे बकवास बंद कर, इतनी मुश्किल से एक स्वीप मिली है उसमें भी तू टांग लड़ा रहा है। अपनी किताब में कारगिल से लद्दाख तक वो क्यों नहीं लिख रहे हो? और बड़ा पुआन मारे यार, सदर सागरू तकरीर लिख के देने वाला बड़ा पुआन मारे यार। मैं बताता हूं। नहीं एक मिनट, हाँ तो रशियन यूक्रेन वॉर पे बुक लिख दी आपने, तो कारगिल पे क्यों नहीं लिखते? कारगिल पे मैं लिख रहा हूँ, उसकी स्टोरी सुनिए। सरसरी, एक दफा मैं कारगिल पे ड्यूटी दे रहा था। अच्छा। ठंडी बर्फ, यखबस्ता जिस्म, मेरे होंठ कपकपा रहे थे। मेरे पाकिस्तानी फौजी ने मिसाइल मारा, मिसाइल को मैंने आते देखा, मिसाइल मेरे पीछे, मैं मिसाइल के आगे, मेरा मुंह लद्दाख की तरफ। लद्दाख में देखूं तो चाइनीज खड़ा है, चाइनीज ने वहां से एक मिसाइल मारा, दोनों मिसाइल हमने सामने, मैं उनके बीच सैंडविच। वो जैसी आए मैं यूं हो गया, लेकिन मिसाइल नीचे थे, वो फिर भी लग गए। अभिनंदन एक सवाल का जवाब दो जी। जब खुद को इजेक्ट किया था तो क्या फील हो रहा था कि मैं नीचे जाके बचूंगा या मरूंगा? वो नीचे आते हुए क्या जहन में चल रहा था? बोलो, दर्द हुआ था, मैंने गलत बटन दबा दिया था। नहीं गल यह है कि जिस वे मेरा इन्हों का रबता हो रहा है सी, इन्हों की आवाज आ रही सी, इन्होंने नहीं चाहिए, मेरा फैसला गलत हो गया है। अगर आप अमेरिका के तरले ना करते तो कारगिल से आपको कौन उतरवाता नीचे? अरे जाओ। और ये बाबा अपने जवाई को कह रहा था अपने दांत मुझे डोनेट कर दो। बख्शी साहब, आप इतने अजीबोगरीब वाकयात से बचते आए हैं, तो कभी सोचा है जिंदगी का कोई अच्छा मकसद भी हो सकता है? अरे गरीब तुम होगी, हम अजीबो अमीर वाकयात सुनाते हैं। अरे जो बाबा ताजमहल की कंध ना खोगा, अनजाने लोग कह रहा था मुमताज मेरी बेटी थी। बख्शी साहब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो नरेंद्र मोदी को साथ लाइएगा, हम बात करेंगे कि आप बात तो करते हैं ना कि जंग लड़नी है, ये करना, जो आपके अंदर जंग चल रही है नक्सलाइट्स के साथ, फिर असामी हैं, फिर वो ऊपर नागालैंड वाले हैं, और सबसे ज़रूरी कश्मीरी भी, वो भी आपका सर फोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। और ये जो आपने वो सिटीजन एक्ट लगाया ना, ये आपके गले पड़ने वाला बड़ी जल्दी। ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो आप हमारे अंदरूनी मामला में क्यों घुसते हैं? ये कौन है? अरे वीणा, ये कौन है आदमी? जब बाबा गुसलखाने साबुन तो तल के मर जाना।